प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। छात्रों, आज हमारे पठन पाठन का विषय है देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कविता। ओतप्रोत का अर्थ होता है भरी हुई। वह देश कौन सा है? इस कविता के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। छात्रों, इस कविता में कवि ने भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता तथा संपन्नता के साथ साथ अन्य विशेषताओं का वर्णन किया है। छात्रों, इस कविता में प्रश्नोत्तर शैली में कवि ने अपने देश की विशेषताओं को बताने समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, कविता का सरल अर्थ समझने से पूर्व हम कविता में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कविता में आए नए शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द मनमोहिनी। पहला शब्द क्या है? मनमोहिनी, जिसका अर्थ है मन को मोहित करने वाली। दूसरा शब्द है निरंतर, जिसका अर्थ है लगातार, सदैव या हरदम। तीसरा शब्द है रत्नेश। रत्नेश का अर्थ होता है सागर, समुद्र। चौथा शब्द है अमृत। चौथा शब्द है सुधा, जिसका अर्थ है अमृत, जो लोगों को नया जीवन देता है। अगला शब्द है सलोना, जिसका अर्थ है सुंदर। अगला शब्द है रसीले, जिसका अर्थ है रसपूर्ण या रस से भरे हुए। अगला शब्द है नाज, जिसका अर्थ है अनाज। अनाज अर्थात चावल, गेहूँ, खाने वाले पदार्थ, दालें। प्रसून, प्रसून का अर्थ होता है फूल। गिरी, गिरी का अर्थ है पर्वत। आनंदमय, आनंद से परिपूर्ण या आनंद से भरा हुआ, खुशियां प्रदान करने वाला। अनंत, जिसका कभी अंत न हो। धन, संपत्ति, संसार, इसका अर्थ है विश्व, शिरोमणि, श्रेष्ठ, उच्च या महान। शिरोमणि का अर्थ बताया श्रेष्ठ, उच्च या महान। दुलारा, इसका अर्थ है प्यारा। नवक्रांति, नवीन विचार। सुपुत्र, सपूत है, जिसका अर्थ है सुपुत्र, दूजा, दूसरा। छात्र, यहाँ पर तीन चित्र दिखाए गए हैं। दो चित्रों के सामने जो है लड्डुओं से भरी हुई थाली या प्लेट है और एक खाली है। बीच का चित्र आज की स्थिति दर्शाता है और दो चित्र जो हैं वे कल की स्थिति दर्शाते हैं। यहाँ ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे पास जो चीज़ें, जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, अगर ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हैं तो उनका उपयोग या उपभोग हमें एक सीमा तक ही करना चाहिए। संयमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। यदि हम मात्रा का ध्यान नहीं रखेंगे तो कल हमारे लिए वह एक समस्या बन सकती है। तो जो भी हमारा खान पान है वह संतुलित होना चाहिए,
नियमित होना चाहिए। बढ़िया से बढ़िया पदार्थ भी यदि आप आवश्यकता से ज़्यादा खाते हैं तो वह जो है हानिकारक हो सकता है। उससे दो हानियाँ होंगी, एक तो यह कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, और दूसरा यह कि अगर हम जो संसाधन या वस्तुएं आज उपलब्ध हैं अगर उन्हें संभाल कर नहीं रखेंगे तो कल के लिए हमारे सामने मुश्किल परेशानी हो सकती है। इसलिए जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वस्तुएं हैं, हम उनका उपभोग तो करें लेकिन संभाल करके करें, जिससे भविष्य में भी हम उनका लाभ लेते रहें। छात्रों, अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। कविता की एक एक पंक्तियाँ पढ़कर आपको उसका सरल अर्थ समझाता हूँ। पहली पंक्ति है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। छात्रों, मैंने आपको पहले ही बताया कि यह कविता जो है प्रश्नोत्तर शैली में है। कवि ने प्रश्न पूछते हुए भारत देश की विशेषताओं को बताया है। पहली ये दो पंक्तियाँ देखिए, दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण है, वह देश कौन सा है। कवि पूछते हैं कि वह देश कौन सा है जिसकी प्रकृति जो है मनमोहिनी है, जिसकी प्रकृति जो है मन को मोह लेने वाली है, और जो मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, अर्थात जिसकी प्रकृति मनमोहक है, जिसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे तो मन मोहित हो जाएगा, मन आकर्षित हो जाएगा, मन को बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। दूसरी बात बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, जिस देश में स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त है, जिस देश की प्रकृति ने वहाँ के निवासियों को स्वर्ग जैसा सुख प्रदान किया है, वह देश कौन सा है। तो उत्तर भी इसका यही है कि वह देश मात्र एक देश है, भारतवर्ष है, जहाँ की प्रकृति बहुत ही मोहक है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है, और जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है, जहाँ के निवासियों को हर प्रकार का सुख प्राप्त है, वह देश एकमात्र कौन सा देश है, भारत देश है। तीसरी और चौथी पंक्तियाँ देखिए, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, चरण अर्थात पैर, रत्नेश अर्थात समुद्र। अब ऐसी कल्पना कवि ने क्यों की है, क्योंकि यदि हम भारत माता का मानचित्र जब देखते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, हिमालय। मानचित्र में ऊपर जो है वो सिर माना जाता है, जिस तरह से हम सबके शरीर में ऊपरी भाग सिर का है, निचला भाग पैर का है, तो मानचित्र में भी ये स्थिति होती है, ऊपरी भाग को सिर और निचले भाग को पैर मानते हैं, और निचला जो भाग है भारत देश के मानचित्र का, वहाँ पर आप क्या देखते हैं, तीनों तरफ से समुद्र हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो यही निचले भाग पैर की तरफ समुद्रों को देख करके कवि ने क्या कल्पना की है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। रत्नेश किसको कहते हैं, समुद्र को। रत्नेश का अर्थ होता है रत्नों का स्वामी, जहाँ पर बहुत सारे रत्न, बहुमूल्य पदार्थ जो हैं भरे पड़े हों। तो छात्रों, हम सब जानते हैं समुद्र में बहुत से कीमती वस्तुएं, बहुत सी कीमती वस्तुएं या पदार्थ मिलते हैं या हमें प्राप्त होते हैं।
तो बताओ वह देश कौन सा है, फिर से कवि प्रश्न पूछ रहे हैं कि वह देश कौन सा है जिसके चरण अर्थात जिसके पैर निरंतर लगातार सदैव समुद्र धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय है, जिस देश का मुकुट हिमालय है और जिसके चरण रत्नेश अर्थात समुद्र धोता है, वह देश कौन सा है। तो विश्व में एकमात्र देश यही अपना देश भारत ही है कि जिसके चरण समुद्र अर्थात रत्नेश धोता है और जिसके सिर पर हिमालय जो है मुकुट के समान शोभायमान है। दुनिया में ऐसा और दूसरा कोई भी देश नहीं है। आगे पांचवी और छठवीं पंक्तियां हैं। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। कभी फिर से प्रश्न पूछे कि वह देश कौन सा है जहां पर नदियां या जिसकी नदियां सुधा की धारा बहा रही। सुधा अर्थात अमृत। अमृत के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा पदार्थ है जो लोगों को जीवन देता है, मरे हुए शरीर में फिर से प्राण संचरित कर देता है। तो छात्रों, हमारे देश की नदियां भी, नदियों के यहाँ जल को, नदियों के जल को यहाँ पर क्या कहा गया है, सुधा कहा गया है, अमृत कहा गया है। क्यों कहा गया है वह भी आप समझ लीजिए कि यदि अमृत लोगों को जीवन देता है, नवजीवन संचरित करता है, तो ये नदियों का पानी भी, नदियों का जल भी हमें जीवन देता है। क्योंकि ये नदियाँ नहीं होती तो जल नहीं होता, जल नहीं होता तो हम नहीं होते। हम सब जल के अभाव में कब के समाप्त हो गए होते। हमारे देश की हरियाली, वन बाग बगीचे खेत खलिहान सब जल के अभाव में कब के नष्ट हो गए होते, हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया होता। सींचा हुआ सलोना, कहते हैं कि जो देश नदियों के अमृत रूपी जल से सींचा हुआ है, सिंचित है, और जो जिसका रूप क्या है बहुत ही सुंदर है, सलोना है, वह देश कौन सा है। वह एकमात्र देश कौन सा है, अपना देश भारतवर्ष है। आगे देखिए भारत की विशेषताएं। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, कह रहे हैं कि जिस देश में क्या होते हैं फल कंद, कंद मतलब जमीन से निकली हुई जड़ें जो भोजन इकट्ठा होने के कारण मोटी हो जाती हैं, जिसे स्वीट पोटैटो आप देखते हैं, ये कंद है। तो जिसमें, जिस देश में कहते हैं कि बहुत ही रसीले स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक फल उत्पन्न होते हैं, कंद मिलते हैं, अनाज मिलते हैं और मेवे, मेवे अर्थात ड्राई फ्रूट्स जिसे आप कहते हैं, काजू बादाम किशमिश छुहारे, ये सब मेवे की श्रेणी में आते हैं। ये सब क्या हैं, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तो हैं और बड़े ही लाभदायक हैं। इनके नियमित और संतुलित सेवन से स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहता है। सब अंग में सजे हैं, सब अंग में सजे हैं के तात्पर्य है कि देश के प्रत्येक भाग में, हमारे देश की धरती जो है ऐसी है कि हर जगह जो है वहाँ पर प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अन्न की पैदावार होती है, फल पैदा होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक अन्य जो भी पदार्थ हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वे मेवे हैं, सब कुछ देश के हर भाग में प्रचुर मात्रा में, या यूँ कहें कि लोगों की आवश्यकता से भी अधिक मात्रा में पैदा होते हैं, जिनका सेवन करके, जिन्हें खा पी करके सब हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ बने हुए हैं। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, प्रसून अर्थात फूल, जिस देश में, जिस देश के बाग बगीचों में, फुलवारियों में तरह तरह के रंग बिरंगे तरोताज़ा मन को आह्लादित करने वाले सुंदर महकते सुगंधित फूल खिलते हों, दिन रात हंस रहे हों, दिन रात मतलब हमेशा हर मौसम
हर ऋतु में जो है फूलों की महक, फूलों की मुस्कान लोगों के मन को आह्लादित करती रहती है। वह देश कौन सा है? वह देश हमारा प्यारा भारतवर्ष है। अगली पंक्तियाँ हैं, मैदान गिरी वनों में, गिरी मतलब पहाड़। अपने देश की संरचना ऐसी ही है, एक तरफ क्या है समुद्र तटीय क्षेत्र है, उत्तर में क्या है पर्वतीय इलाका है, उसके बाद मैदानी है और बीच में क्या है वन प्रदेश है, जंगली प्रदेश है। तो कह रहे हैं कि चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे वन हो, चारों तरफ हरियालियाँ लहरती, चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई है। हरियाली किसकी है? वनों की, वन संपदा की, पेड़ पौधों की, बाग बगीचों की और खेतों में लहराती हुई फसलों की। लहरती का अर्थ या लहराती का अर्थ छात्रों होता है जब हवा चलती है तो हमारी पेड़ पौधों की जो डालियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, जो कंपित होती हैं, उनमें तरंगे पैदा होती है, हिलती है, झूमती हैं, उन्हें लहराना कहा गया है। आनंदमय जहाँ है, जहाँ मतलब वातावरण, जहाँ का वातावरण, जहाँ का परिवेश आनंदमय है, आनंद प्रदान करने वाला है, खुशियाँ देने वाला है, आनंद से परिपूर्ण है, वह देश कौन सा है? पूरी दुनिया में वह देश एकमात्र देश क्या है? अपना भारतवर्ष है। अब देश के वैभव की बात यहाँ पर कर रहे हैं, संपन्नता की बात। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, कहते हैं जिस देश की धरती अनंत धन से भरी पड़ी है। अनंत धन अर्थात हर तरह की प्राकृतिक, हर तरह के खनिज पदार्थ जो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे देश की धरती में बहुत आवश्यकता से भी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ मौजूद हैं। जिन खनिज पदार्थों से देश को समृद्धि प्राप्त होती है और देश अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। जिसके अनंत, अनंत मतलब क्या होता है, कभी खत्म न होने वाले, समाप्त न होने वाले धन से धरती भरी पड़ी। जिसकी धरती प्राकृतिक संपन्नता से, प्राकृतिक वैभव से और खनिजों से भरी पड़ी है, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत है, संसार का शिरोमणि। कहते हैं कि जो देश संसार का शिरोमणि है, शिरोमणि श्रेष्ठ, शिरोमणि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। जो देश सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, सबसे प्रतिष्ठित है, सबसे सम्मानित है, वह देश कौन सा है? भारत देश है। छात्रों, हम सब यह जानते हैं या हमने सुना है कि प्राचीन काल में इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया अर्थात जो धन वैभव से संपन्न हो। दूसरी बात ये, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उदय, सभ्यता का उदय, संस्कृत का उदय पूरे संसार में सबसे पहले अपने देश भारत में ही हुआ। हमारा देश सारे संसार का आध्यात्मिक गुरु कहलाता है, इसलिए अपने ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सौंदर्य, संपन्नता आदि के कारण हमारा देश पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहा। इसकी बराबरी करने वाला, समानता करने वाला दुनिया में और दूसरा कोई राष्ट्र नहीं था। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, कहते हैं कि पूरे संसार में, जगत मतलब संसार, दुनिया, विश्व, विश्व में जो राष्ट्र, जो देश सबसे पहले सभ्य हुआ, सभ्यता का उदय, सभ्यता का जन्म जिस देश में सबसे पहले हुआ, और हुआ नहीं, आगे भी सभ्य रहेगा, जन जन का दुलारा। और बताया कि जो जन जन का, प्रत्येक मनुष्य का जो दुलारा है, प्यारा है, वह देश कौन सा है?
वह देश मात्र एक देश है पूरी दुनिया में, और वह है भारत देश। नवक्रांति के पुजारी, नवक्रांति अर्थात नवीन विचार। यहाँ पर नवक्रांति के पुजारी किसको कहा गया है? महात्मा गांधी को, हमारे देश के राष्ट्रपिता को, बापू को नवक्रांति का पुजारी कहा गया है। नवक्रांति अर्थात नवीन विचार। बापू ने या महात्मा गांधी ने सारी दुनिया के सामने अन्याय से लड़ने के लिए, अत्याचार से लड़ने के लिए जो अस्त्र शस्त्र जिनका प्रयोग किया वो क्या थे? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। पूरी दुनिया में यह नया प्रयोग था और बापू ने सारी दुनिया को यह दिखा दिया कि अहिंसा के बल पर, आपने एक गीत सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वहाँ लिखा है कि दागी न कहीं तोप न तलवार चलाई, दुश्मन की किले पर भी की तीर न चढ़ाई, फिर भी कहते हैं दुश्मन को निकाल दिया देश से, दुश्मन को पराजित कर दिया बिना किसी हिंसा के, बिना किसी रक्तपात को, इतने बड़े शासन को, शक्ति को उन्होंने पराजित किया। इसलिए कहा गया है नवक्रांति के पुजारी। नवक्रांति नए विचार। नए विचार क्या? युद्ध लड़ने की, लड़ाई लड़ने के लिए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग। पूरी दुनिया में, पूरी सभ्यता में यह पहले व्यक्ति थे महात्मा गांधी या बापू जिन्होंने करके दिखाया था। सेवक, सेवा करने वाले, सपूत जिसके। भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? अंत में कवि कह रहे हैं कि भारत को छोड़ करके इतनी विशेषताएं अपने आप में समेटे रहने वाला भारत के अलावा दुनिया में कोई दूसरा देश हो ही नहीं सकता, वह एकमात्र देश कौन सा है? भारत देश है। छात्रों, इसी के साथ यह कविता यहाँ समाप्त होती है। और इस यह कविता आपको बताया कि देश प्रेम की भाव भूमि पर आधारित कविता है। हम सबका अपने देश के लिए यह कर्तव्य है, यह हमारा धर्म बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि हम सब ऐसा कार्य करें जिससे अपने देश का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, गौरव बढ़े। ऐसा कोई कार्य कभी भी न करें जिससे देश की मान प्रतिष्ठा या आदर्शों को ठेस पहुँचे। छात्रों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।